मेरा नाम डॉक्टर दानी जफर। एहतजाज हम लोगों का ये है कि 2010 में जो गवर्नमेंट के तहवील का बिल पास हुआ था असेंबली से, वो अब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। 10 साल में हम लोग जो ये हुकूमत मामाटी मानुस की सरकार ममता दीदी की सरकार है, हम लोग उनके MLA MP सेक्रेटरी डिपार्टमेंट यहाँ तक कि CMO तक भी हम लोगों ने लेटर भेजा, अपॉइंटमेंट की चिट्ठी भेजी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं, किसी तरह का कोई रद्द अमल नहीं, कोई तरह का किसी तरह का भी हम लोगों को कोई आश्वासन अब तक नहीं मिला। जी, मैं थर्ड प्रोफ की स्टूडेंट हूँ, जयमा खातून, और हम लोग सब यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हमारा कॉलेज को, हमारे मतलब जो कॉलेज है उसको ममता दी मतलब अब गवर्नमेंट में ले लें। बस पिछले 10 साल से इसके लिए फाइट हो रहा है और गवर्नमेंट हमारी वॉइस को नहीं सुन रही है, तो आज हम लोग यहाँ पर बाहर निकल के कॉलेज के मेन गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी बात सुने और इस कॉलेज को गवर्नमेंट करे। दीदी, यही कॉलेज थे आपने सरकारीकरण करूँ, टेक ओवर करूँ एवं हमारे। हेलो, JKV कोलकाता न्यूज में आप लोगों का खैर मकदम है। अभी हम यूनानी मेडिकल कॉलेज जो वकील साहब के मैदान के बगल में है, आज इन लोगों ने स्ट्राइक में बैठ गए हैं, इंडिपेंडेंट स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों के बहुत से मसले हैं। इसके पहले भी हमने आप लोगों को इसके बारे में एक वीडियो लोड किया था, दिखाया था कि यहाँ काफ़ी तकलीफ में है ये लोग। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, इस न्यूज़ फेसबुक पेज को, और लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बचाया जा सके। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लोग जो है यूनानी मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए तमाम लोग जो है इत्तेजाज कर रहे हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, लोग वगैरह नहीं दी गई है बाकी दिनों से, और कॉलेज को ये लोग कह रहे थे कि गवर्नमेंट अपने पास ले ले, अभी नहीं कुछ है। तो आइए लोगों से ही बात करते हैं, आप लोगों को बात करवाने की कोशिश करते हैं लोगों से कि लोगों की क्या डिमांड है। आपका डिमांड वन पूछते हैं, क्या डिमांड है और आप लोग यहाँ पे क्यों आज बैठे हुए हैं? अरे भाई, हम लोग का डिमांड ये है कि ये कॉलेज जो है एक जमाने से चला रहा है, और ममता की हुकूमत बार बार ये कहती है गवर्नमेंट टेक ओवर लेगी, गवर्नमेंट टेक ओवर, ये मालूम होना चाहिए इस मगरबी बंगाल में इस स्टेट में हेमोपैथिक कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज और योगा कॉलेज एक जमाने से चला रहा है, तो ये यूनानी कॉलेज जो है इस स्टेट में क्यों नहीं? आज ये कॉलेज जो है एक अरसे से कायम है और इसका बिल पास हुए एक जमाना हो गया, 11 साल का हो गया, और ये 2 साल हुकूमत जो है 2015 में आई, 2011 में आई, 2016 में आई, हमेशा ये वादा करते रही कि टेक ओवर लेंगे, लेकिन आज तक इस यूनानी कॉलेज पर कोई हुकूमत ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज तक अपनी तहवील में नहीं लिया। तो हम लोग का डिमांड ये है कि जल्द से जल्द इस कॉलेज को गवर्नमेंट जो है अपनी तहवील में ले और इसके तमाम इखराजात को पूरा करें। जैसे आज आप लोगों ने एहतजाज शुरू किया, ये क्या कंटिन्यू आप लोगों का रहेगा? ये एहतजाज हम लोगों का कंटिन्यू रहेगा, उस वक्त तक रहेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, जब तक हुकूमत अपने अंडर में लेगी, अपनी तहवील में लेगी, उस वक्त तक हमारा ये एहतजाज मुजाहरा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम और डॉक्टर मोहम्मद जरीफ। देखिए, डॉक्टर मोहम्मद जरीफ साहब थे, और लोगों से भी बात करेंगे और आप लोगों की बात सुनाएंगे और अब देखते हैं कि इन लोगों की क्या परेशानी है। ये लोग इंडिपेंडेंट स्ट्राइक में है, आप लोग हाथ में देख सकते हैं कि ये लोग बहन है। आपका नाम बोलिए और आज आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, ये एहतजाज किस लिए? लेकिन नहीं हुआ, हम लोग इसी उम्मीद से फिर बैठे हैं और दीदी से हम लोगों की दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि दीदी ये काम कर दें, हमारे यूनानी मेडिकल कॉलेज को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वो ले लें। और ये आज इत्तेजाज आप लोगों का जारी रहेगा इसी तरह जब तक ना लेते हैं? हाँ, अभी तो यही हम लोगों का इरादा है कि जब तक ना हो जाए हम लोग इत्तेजाज करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद भी है कि दीदी इस पे जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगी और हम लोगों का जवाब मिलेगा। थैंक यू। ये थे बात कर दीजिए, अब हम बात कराते हैं इनसे, ये यहाँ के जो है अपने आप तारुफ दीजिए और आज आप लोग यहाँ एहतजाज में क्यों बैठे हुए हैं? सर, मेरा नाम डॉक्टर दानी जफर।
एहतजाज हम लोगों का ये है कि 2010 में जो गवर्नमेंट के तहवील का बिल पास हुआ था असेंबली से, वो अब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 10 साल में हम लोग जो ये हुकूमत मामाटी मानूस की सरकार ममता दीदी की सरकार है, हम लोग उनके MLA MP सेक्रेटरी डिपार्टमेंट यहाँ तक कि CMO तक भी हम लोगों ने लेटर भेजा, अपॉइंटमेंट की चिट्ठी भेजी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं, किसी तरह का कोई रद्द अमल नहीं, कोई तरह का किसी तरह का भी हम लोगों को कोई आश्वासन अब तक नहीं मिला। ये आप लोग आज जो स्ट्राइक जो चालू किए हैं, ये क्या कंटिन्यू रहेगा जब तक आप लोगों का डिमांड नहीं माना जाएगा? ये गैर मुअय्यन हड़ताल है, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी डिमांड पूरी ना हो जाए। अच्छा ठीक है, ये देखिए ये बता रहे थे कि अभी हम और अंदर चल के आप लोगों को औरतें भी काफी तादाद में आई हुई है, तो उनकी बात को सुनवाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखे हैं कि आगे में काफी लोग बैनर वगैरह उठाए हुए थे, ख्वातीन भी काफी तादाद में आई, उन लोगों से ही पूछते हैं कि उन लोग यहाँ पे क्यों बैठी हुई है। आप अपना नाम बोलिए, आप यहाँ पे क्यों बैठी हुई, किस लिए बैठी हुई? मेरा नाम नाजिया है और मैं फाइनल प्रॉप की स्टूडेंट हूँ द कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की। हम लोग का मुतालबा ये है कि ये कॉलेज सरकारी हो जाए, बस पिछले 10 साल से इसके लिए फाइट हो रहा है और गवर्नमेंट हमारी वॉइस को नहीं सुन रही है। तो आज हम लोग यहाँ पर बाहर निकल के कॉलेज के मेन गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी बात सुने और इस कॉलेज को गवर्नमेंट करे, ताकि हम लोग का जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके, बेहतरीन हो सके, सेफ हो सके, क्योंकि हम डॉक्टर्स बन रहे हैं। डॉक्टर सेम पैथी जो है हम लोग की, वो कुछ एलोपैथी से कम नहीं है, तो उनको अच्छा से अच्छा मिलता है। और जो जैसे आयुर्वेदा है उनको फैसिलिटीज़ मिलती है, वैसे हम लोग को भी मिले, इसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। मतलब आप गवर्नमेंट से यही कहना चाह रही हैं कि इस कॉलेज को अपने अंडरटेकिंग में ले लें, अपने अंडरटेकिंग में लीजिए और इसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए, इसलिए आप लोग धरने में यहाँ पे बैठी हुई हैं, ताकि हम लोग को जॉब मिले। अगर जैसे कि यहाँ पे नहीं लेती गवर्नमेंट कुछ ऐसा बात नहीं बोलती है, तो क्या आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू इसी तरह बैठी रहिएगा? ऐसे कंटिन्यू बैठे रहेंगे, क्योंकि वैसे भी फ्यूचर नहीं है, तो यहाँ बैठने से ही सही है, कुछ तो वो हम लोग को वॉइस नहीं। और हम लोग यहाँ बहुत उम्मीद से बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेंगी, उनको सुनना होगा। प्रॉफ की स्टूडेंट हूँ जयमा खातून और हम लोग सब यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हमारा कॉलेज को, हमारे मतलब जो कॉलेज है उसको ममता दी मतलब अब गवर्नमेंट में ले लें, क्योंकि बहुत दिनों से ये चल रहा है, 10 साल हो गया है, यहाँ तक कि इतने हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ जो हैं और जितने मतलब यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट थे और हैं, सब ये कोशिश कर रहे हैं कि दीदी इसको अपना अंडर में ले लें और जो हमारी परेशानियाँ हैं उसको सॉल्व करें। मतलब आप अपने गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रही हैं कि इस कॉलेज को अपने अंडरटेकिंग में ले लें? डिमांड कर रहे हैं कि क्योंकि जब आयुष में सब आता है, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक जब गवर्नमेंट ले चुकी है, तो हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम लोग चाहते हैं कि जी, मेरा नाम जयमा खातून है। हाँ बोलो, मैम आपने नामटा की बोलो और आज आपने कहने बस। नाम प्रियंका আমি নন টিচিং স্টাফ, ইউনানি মেডিকেল কলেজের নন টিচিং স্টাফ। দীর্ঘ 10 বছর ধরে আমরা বঞ্চনা শিক্ষা, একই সঙ্গে প্রেসিডেন্সির বিল পাস হয়েছিল, কিন্তু সেই প্রেসিডেন্সির বিল ইমপ্লিমেন্টেশন হয়, কিন্তু আমাদের ইউনানি কলেজের যেখানে আমরা ছিলাম সেখানেই আমরা রয়ে গেছি। দীর্ঘ 10 বছর ধরে আমরা একই জায়গায় রয়েছি, ঠিক আছে, এবং আমাদের স্টুডেন্টদের ভবিষ্যৎও অন্ধকারে, এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশানে আমাদের কিন্তু OPD খোলা ছিল এবং সেখানে আমাদের টিচাররা সমস্ত দেখেছেন, পেশেন্ট দেখেছেন, কিন্তু এই সিচুয়েশানে আমাদের 4 মাস এবং হতে চলছে 5 মাস যাবৎ কোনো স্যালারি নেই। দিদির কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা, আমাদের সকলের তরফ থেকে একমাত্র প্রার্থনা, যে দিদি এই কলেজটিকে আপনি সরকারিকরণ করুন, টেক ওভার করুন এবং আমাদের বাঁচান।